विकास खंड निचलौल के बाली ग्राम सभा में सर्व शिक्षा अभियान के तहत दो शिक्षण भवनों का निर्माण हुआ। प्राथमिक विद्यालय बाली द्वितीय पर अध्यापकों की शिक्षण के लिए नियुक्ति भी हुई, पर सिर्फ एक अध्यापक के बल पर जहां विद्यालय संचालित हो रहा है, वहीं विद्यालय के अन्य दो अध्यापक अक्सर नदारत ही रहते हैं। विद्यालय भवन भी घोटाले की पोल खोलता नजर आ रहा है। कैमरे पर तो अध्यापिका कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी, पर विद्यालय में सुलभ शौचालय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जहां नौनिहालों के लिए सरकार फल और दूध के प्रबंध में लगी है, वहीं घोटाले की आंच में अब सुलभ शौचालय भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। शौचालय भवन है, दीवाल है, पर ना तो शौच के लिए सीट है, ना ही टंकी और ना ही दरवाजा। जानकारी हुई कि घोटाले में भवन प्रभारी नब चुके हैं और आगे निर्माण कराने का जिम्मा बीआरसी समन्वयक को मिला है, पर वर्षों बाद भी शौचालय का निर्माण मुकम्मल नहीं हो सका है। इस बाबत सैटेलाइट न्यूज की बेबाक पड़ताल में शिक्षा विभाग की और शिक्षित कार्य प्रणाली भी परत दर परत खुलती चली गई। भाई तुम्हारा क्या नाम है? ममता गौर। क्लास 5। विभा द्विवेदी जी आप जो हैं मैडम जी पढ़ाती हैं? कब से नहीं आ रही हैं? डेढ़ महीने से नहीं आ रही हैं। फिर आपको कौन पढ़ाता है? सुनीता मैम। सुनीता, और कोई? यहाँ का जो हेड सर है वो आते हैं कभी? हफ्ते में आते हैं। और खाना वाना मिलता है बढ़िया? हाँ। क्या बनता है बताओ? मंगलवार को दाल चावल बनता है, सोमवार को रोटी सब्जी, बुधवार को तहड़ी और बृहस्पतिवार को भी रोटी सब्जी और शुक्रवार को तहड़ी और शनिवार को चावल सब्जी। और जिले के जिम्मेदार से सवाल हुए तो समूचे जनपद के शिक्षा विभाग में भूचाल सा आ गया। ये संज्ञान में आया है कि संबंधित विद्यालय पर शौचालय नहीं है, भवन प्रभारी द्वारा निर्माण नहीं कराया गया है, तो उसकी हम खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जो है जाँच कराएंगे और संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। वहाँ पे एक अध्यापक है विभा द्विवेदी, वो भी नहीं आती हैं। जाँच आख्या में जैसे स्पष्ट हो जाता है को नहीं आ रही है विद्यालय, तो उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। बीएससी की पहल पर एसडीआई विद्यालय निरीक्षक करने पहुंचे तो जुगाड़ के चक्कर में फंसे अफसर सैटेलाइट न्यूज दफ्तर भी पहुंच गए। उम्मीद व विश्वास विद्यालय के सुलभ शौचालय के निर्माण से है और घोटाले का पर्दाफाश से किसी की नौकरी से नहीं। ये नज़ारा था जनपद महाराजगंज के विकासखंड निचलौल का, जहां विद्यालय भवन निर्माण से लेकर के बच्चों के मध्याह्न भोजन तक की लूट मची है। वहीं प्रिंसिपल हफ्ते महीनों तक गायब रहते हैं। बच्चों से शिकायत ये भी मिली कि अध्यापक महीनों तक नज़र नहीं आते, पर स्टाफ रजिस्टर देखने पर सिग्नेचरों का ढेर पड़ा है। सैटेलाइट न्यूज महाराजगंज से हैदर अली।